अगर आपने कोरोना रक्षक और कोरोना कवच पॉलिसी ली है तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। जी हाँ, कोरोना की बीमारी से राहत मिलने के बाद भी आप इस पॉलिसी को सामान्य इंश्योरेंस पॉलिसी में तब्दील कर सकते हैं। कैसे और इसके फायदे क्या होंगे, ये डिटेल में समझाने के लिए हमारे संवाददाता अनुराग शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। अनुराग, बताएं कैसे कोरोना कवच पॉलिसी या कोरोना रक्षक पॉलिसी को सामान्य पॉलिसी में तब्दील कर पाएंगे और इसके क्या क्या फायदे हैं। कोरोना के बाद इंश्योरेंस को लेकर जो लोगों में जागरूकता बढ़ी है, ये इंश्योरेंस कंपनियों के आंकड़ों में भी दिख रहा है। और इसके अलावा जो आरबीआई की एक रिसर्च है उसमें भी बताया गया है कि बाकी सब सेक्टर्स के अंदर लोगों ने खर्चों में कटौती की है, लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर में बढ़ोतरी दिख रही है। इंश्योरेंस रेगुलेटर आईडी की तरफ से 2 कोरोना स्पेसिफिक प्रोडक्ट लॉन्च किए गए थे, कोरोना रक्षक और कोरोना कवच, जो पूरी तरह से कोरोना के ट्रीटमेंट से जुड़े हुए थे। तो वहां पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। आईडी चेयरमैन के मुताबिक एक माह के अंदर 15 लाख से ज्यादा लोगों ने उसका कवरेज लिया था, कोरोना कवच और कोरोना रक्षक का। तो इसी सिलसिले में अब उन लोगों को इंश्योरेंस से जोड़े रखने के लिए आईआईडी एक सौगात देने वाला है कि अगर जिन लोगों ने कोरोना स्पेसिफिक प्रोडक्ट लिए थे और वो आगे चल के उनकी अवधि खत्म होने के बाद उन पॉलिसी को नॉर्मल पॉलिसी में भी कन्वर्ट करा पाएंगे, और उन्होंने अगर उस कोरोना पॉलिसी के अंदर किसी भी तरह का क्लेम नहीं लिया है तो उन्हें उसको लेकर डिस्काउंट भी मिलेगा। तो ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए भी एक बड़ी खबर है। इसके अलावा जो कई सारे लोग जिन्होंने कोरोना से जुड़ी स्पेसिफिक पॉलिसी ली थी कोरोना के इलाज के लिए, तो उनके लिए भी जो है कहीं ना कहीं एक सौगात के तौर पे होगा कि नॉर्मल इंश्योरेंस के अंदर वो शिफ्ट होते हैं तो वहां पर उन्हें डिस्काउंट दिया जाएगा। तो ये जो बड़ा ऐलान है इंश्योरेंस रेगुलेटर आईडी की तरफ से होने वाला है, और इसका जो सर्कुलर है अगले कुछ दिनों में आ जाएगा। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी खबर को डिटेल में समझाने के लिए। कोरोना की मार झेल रहे महाराष्ट्र में बढ़े बिजली बिल के मुद्दे पर राहत मिलती फिलहाल नहीं दिख रही है। जी हां, राज्य सरकार के वित्त मंत्रालय ने इस पर अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, और सूत्रों के मुताबिक अगर सरकार लोगों को बढ़े बिजली बिल के मुद्दे पर राहत देती है तो राज्य सरकार के खजाने पर करीब 1,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। मौजूदा हालात को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने इस बोझ को उठाने से साफ इनकार कर दिया है। इसके बाद अब अंतिम फैसला महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेना है और वो जल्द ही इस पर बैठक कर सकते हैं। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए यूनिट के हिसाब से बढ़े बिजली बिल का 25 से 50% वहन करने का वादा किया था।